करना होगा, उसके लिए हम लोग कंट्रोल डी का यूज करते हैं। कंट्रोल ई होता है अलाइन सेंटर के लिए, कंट्रोल एफ जो होता है अगर कोई भी वर्ड को अगर हमको फाइंड करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एफ लगाते हैं, कंट्रोल एफ का प्रेस करते हैं। कंट्रोल जी होता है गो टू के लिए, कंट्रोल एच होता है रिप्लेस के लिए, कंट्रोल आई होता है इटैलिक्स के लिए, कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल के होता है इंसर्ट के लिए, कंट्रोल एल होता है लेफ्ट, कंट्रोल एम जो होता है वो इंडेंट के लिए होता है, कंट्रोल एन होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल ओ से हम ओपन डॉक्यूमेंट करते हैं, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद डायरेक्ट प्रिंट हमको नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको पहले पेज सेटअप हमको कर लेना चाहिए, इससे पहले प्रिंट प्रीव्यू हमको देख लेना चाहिए, उसके बाद हम क्या करना चाहिए पेज सेटअप कर लेना चाहिए, उसके बाद वो क्या करना चाहिए कि हमको प्रिंट करना चाहिए। कंट्रोल क्यू से होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है, कंट्रोल आर से राइट जस्टिफाई होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल टी से क्रिएट हैंडलिंग इंडेंट होता है टैब जो होता है वो, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है कट होता है, कंट्रोल वाई से रीडो प्रीवियसली अंडो एक्शन होता है, कंट्रोल जे से अंडो एन एक्शन होता है, कंट्रोल वन सिंगल स्पेस लाइन के लिए होता है, कंट्रोल टू डबल स्पेस लाइन के लिए होता है, और कंट्रोल फाइव जो होता है